जी अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम देख रहे हैं पंजाब ड्रग रूल्स 2007। ठीक है, ये ड्रग रूल्स जो हैं ये 2007 के अंदर आए। हम स्टार्ट करते हैं इसको डेफिनेशन से। आपने ये याद रखना है कि आपने इनको एज इट इज़ थ्योरी को रट्टा नहीं लगाना होता फॉरेंसिक के अंदर। क्यों? क्योंकि आपने कोई थ्योरी का वो पेपर नहीं देना, आपने MCQ बेस्ड पेपर देना है। 100 मार्क्स का पेपर होगा, उसमें से कुछ MCQs आएंगे, तो आपने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो याद रखनी है। स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन के साथ। एक्ट मीन्स ड्रग एक्ट 1976। कहीं पे भी अगर इसमें बात होती है एक्ट की, कहीं पे भी, तो याद रखना है वो ड्रग एक्ट की बात हो रही है 1976 की। कमेटी मीन्स अ कमेटी ऑफ द बोर्ड। बोर्ड जो कमेटी बनाएगा वो कमेटी होगी। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड मीन्स अ कमेटी ऑफ द प्रोविंशियल बोर्ड इन अ डिस्ट्रिक्ट टू बी नोन एज डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड। इसको हम DQCB भी कहते हैं। ठीक है, तो कहीं पे पेपर में DQCB आएगा, इसका मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, और ये प्रोविंशियल बोर्ड होता है। ठीक है, ये सूबाई सतह पे होता है। ठीक है, कमेटी ऑफ द प्रोविंशियल बोर्ड इन अ डिस्ट्रिक्ट, और ये डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कसूर की बात करूँ तो कसूर का DQCB होगा, यानी कसूर डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड। अगर मैं लाहौर डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ तो उसका लाहौर का DQCB होगा, लाहौर डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड। तो ये होता है वो बोर्ड। फॉर्म मीन्स फॉर्म मेंशन इन द स्केड्यूल ए। जब आप ड्रग रूल्स को नीचे देखेंगे तो आपको डिफरेंट फॉर्म्स नज़र आएंगे। ठीक है, आपको मैं दिखा देता हूँ कौन से फॉर्म्स हैं वो। ये इन फॉर्म्स की बात कर रहे हैं। ये देखें, ये स्केड्यूल ए है, इसमें ये फॉर्म नंबर 1 जो मंथली रिपोर्ट फ्रॉम द इंस्पेक्टर, फिर ये फॉर्म नंबर 2, ठीक है, फॉर्म नंबर 3, इस तरह की जो फॉर्म्स हैं। ये जो फॉर्म दिए हुए हैं इनकी बात कर रहे हैं कि ये फॉर्म है जो यहाँ मेंशनड है। उसके बाद गवर्नमेंट मींस गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब, पंजाब गवर्नमेंट की बात की जा रही है। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर आपने याद रखना है कि इंस्पेक्टर मींस अ प्रोविंशियल इंस्पेक्टर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन नंबर 17। सो इंस्पेक्टर इज अपॉइंटेड अंडर विच सेक्शन? सेक्शन नंबर 17 याद रखना है आपने। ठीक है, मूवी भी आई थी 17 अगेन, ठीक है, उससे याद रख लें। इंस्पेक्टर जो होगा वो 17 सेक्शन में होगा। लाइसेंसिंग अथॉरिटी मीन्स द सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट और एन ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूली अथोराइज बाय द सेक्रेटरी। ठीक है, सेक्रेटरी जो होगा, लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो होगा मीन्स द सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का सेक्रेटरी होगा। मतलब मीन्स लाइसेंसिंग अथॉरिटी मीन द सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट और एन ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूली ऑथराइज बाई द सेक्रेटरी। ठीक है, ये लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है आपका सेक्रेटरी को ऑथराइज कर सकता है, और कोई भी ऑफिसर हो सकता है जो कि एज अ लाइसेंसिंग अथॉरिटी के तौर पे काम कर सकता है। ये बस आपने याद रखना है, आपको आगे लाइसेंसिंग अथॉरिटी का पता चल जाएगा एक्ट और ड्रग रूल्स में। मेडिकल स्टोर का क्या मतलब? मेडिकल स्टोर मीन्स प्रीमिसेस वेयर ड्रग्स एक्सक्लूडिंग द ड्रग्स स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल जी आर स्टोर्ड, सोल्ड और ऑफर्ड फॉर सेल। याद रखना है फार्मेसी और मेडिकल स्टोर के अंदर ये फ़र्क है कि फार्मेसी के अंदर स्केड्यूल जी जो है उसकी मेडिसिन सेल हो सकती है, लेकिन मेडिकल स्टोर वो होता है कि जिसके अंदर स्केड्यूल जी की मेडिसिन स्टोर नहीं हो सकती। ठीक है, उसके बाद लिखे मैन्युफैक्चरर मींस मैन्युफैक्चरर ऑफ अ ड्रग। ठीक है, सिंपल। नारकोटिक साइकोट्रोपिक एंड कंट्रोल्ड ड्रग मींस अ ड्रग स्पेसिफाइड इन द स्केड्यूल बी और द स्केड्यूल डी। अब ये जो नीचे स्केड्यूल्स दिए हुए हैं ना, स्केड्यूल बी और डी, ये आपने याद रखना है कि ये पंजाब ड्रग रूल्स के अंदर ये स्केड्यूल दिए हुए हैं। आपको मैं दिखा देता हूँ, फॉर्म नंबर 10 के बाद ये होगा, ये हो गया स्केड्यूल बी। स्केड्यूल बी मींस नारकोटिक साइकोट्रॉपिक एंटी डिप्रेसेंट एंड अदर कंट्रोल ड्रग्स, उनकी लिस्ट है। तो स्केड्यूल बी क्या है? नारकोटिक साइकोट्रॉपिक एंटी डिप्रेसेंट एंड अदर कंट्रोल ड्रग्स, ये याद रखना है आपने। उसके बाद स्केड्यूल बी के बाद आया स्केड्यूल सी, और फिर आएगा स्केड्यूल डी। स्केड्यूल डी की बात की है, टू बी सोल्ड बाय द रिटेलर स्ट्रिक्टली ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ये वो ड्रग है जो कि एक रिटेलर सेल करेगा स्ट्रिक्टली, जो कि प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर होगी। ठीक है, तो ये स्केड्यूल बी और डी का ड्रग्स होंगी। ठीक है, तो दोबारा से डेफिनेशंस की तरफ आ जाते हैं। जी, तो नारकोटिक साइकोट्रॉपिक ड्रग्स वो वाली ड्रग हो गई जो कि स्केड्यूल बी के अंदर भी हैं और वो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स भी होती हैं, तो बी और डी स्केड्यूल के अंदर होती हैं। फार्मेसी मीन्स प्रेमिसेस वेयर ड्रग्स आर स्टोर्ड, सोल्ड, कंपाउंडेड, डिस्पेंस्ड एंड प्रिपेयर्ड ऑन प्रिस्क्रिप्शन और डिस्ट्रीब्यूटेड इन केस ऑफ ऑथराइज्ड एजेंट ऑफ मैन्युफैक्चरर, इंडेंटर एंड इंपोर्टर। तो फार्मेसी क्या मतलब है? एक प्रेमिसेज ही है ना, प्रेमिसेज है जहाँ पर ड्रग्स स्टोर हो रही है, सोल्ड हो रही है, कंपाउंडेड। तो जब भी आएगा अगर MCQ के अंदर, आपने टिक कर देना फार्मेसी को। प्रोविंशियल बोर्ड मीन्स द प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड, PQCB, याद रखना PQCB। जैसे लाहौर के अंदर PQCB का ऑफिस है जहाँ पे जो क्वालिटी केसेस होते हैं, जैसे कोई सैंपल आप करवा रहे हैं DTL से, सैंपल फेल हो गया तो ड्रग इंस्पेक्टर उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा और पूरी सबमिट करेगा PQCB के अंदर, और बोर्ड डिसाइड करेगा कि ये
इनको इनका क्या फैसला करना है, ठीक है, इनको प्रोसिक्यूट करना है, इनको वार्न करना है या क्या करना है, ड्रग कोर्ट भेजना है। तो PQCB होता है वो, प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर मीन्स द मेडिकल प्रैक्टिशनर रजिस्टर्ड अंडर द ये PMDC एक्ट के अंडर, जो एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड बंदा है वो होगा फिजिशियन या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, याद रखना है। स्केड्यूल मीन्स द स्केड्यूल टू दीज रूल्स, सेक्शन मीन्स सेक्शन ऑफ द एक्ट, कौन सा एक्ट, डैश एक्ट, ड्रग एक्ट 1976। सेलर मीन्स द सेलर ऑफ द ड्रग, ठीक है। होल सेल, होल सेल मीन सेल टू अ पर्सन बाइंग फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग अगेन, ठीक है। एक बंदा होता है जो आपसे एक ना चीज़ें खरीदता है, मेडिसिन जैसे खरीदी है उसने, होल सेलर मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन इसके पास, तो मेडिसिन खरीदेगा और उसको दोबारा सेल करेगा, ठीक है। हु इज़ ऑथराइज एजेंट ऑफ द मैन्युफैक्चरर और इम्पोर्टर और इंडेंटर, ठीक है। अ वर्ड और एन एक्सप्रेशन यूज इन दीज रूल्स बट नॉट डिफाइंड शेल मीन द सेम एज डिफाइंड इन द एक्ट, ठीक है। तो एक्ट और रूल्स साइड बाई साइड चलते हैं, ठीक है। ये उसकी मजीद उसकी क्लैरिफिकेशन होती है। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है डेफिनेशंस का, ड्रग रूल्स का, ये कंप्लीट हो गया।